नहीं चल रहा है? क्यों आप लोगों को नहीं चलना है? ऊपर हो गया तो जाओ, ऊपर हो गया आ जाओ। आपको चलना है? अरे छोटू आपको चलना है? आपको चलना है? नहीं चलना। अरे तो कहाँ बैठेगा तू? पानी भरा है यहाँ छोटे, इसको रोक। 9 फुट 10 फुट तक था, अभी थोड़ा कम हुआ है तो 6-7 फुट तक पहुंचा है और बहुत सारे मकान डूब गए हैं। तो जैसे ही ये सूचना मिली तो पूरा पुलिस प्रशासन, हमारे कार्यकर्ता मौके पर आ गए, SDRF आ गई। SDRF बहुत ही मेहनत के साथ और यहाँ से सबको निकालने का काम किया। अधिकांश लोग इधर के निकाल लिए गए हैं जहाँ जहाँ पानी भरा है और जहाँ जहाँ नदी के पानी की टक्कर का या बाढ़ बहुत भयंकर आने का एक भयावह स्थिति का भय, वहाँ से SDRF के द्वारा अधिकांश लोग निकाल लिए गए। लेकिन अभी एक बहुत ही जो एक गंभीर विषय आया है, वो गंभीर विषय आया है कि नदी के अंदर की तरफ 15 से 20 मकान हैं जिनके आने का कोई रास्ता नहीं। 4 फुट का रास्ता है नदी के साथ साथ, जहाँ पर इस समय भी 7 फुट पानी चल रहा, जो पहले 9 से 10 फुट तक पहुँच गया था, वहाँ पर अधिकांश लोग निकाल लिए गए। लेकिन अभी 2 परिवारों के लोग, लगभग 10-12 लोग हैं जिसमें 4-5 महिलाएँ भी हैं, वो अभी तक नहीं निकले हैं। और SDRF की टीम को स्पष्ट रूप से मना कर दे रहे कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, जबकि प्रशासन के द्वारा हम सब लोगों के कहने पर यहाँ उन सब के जिसे कहते हैं कि अस्थाई कैंप बनाकर उन्हें वहाँ रख दिया गया। वहाँ भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की जा रही है स्कूल में, लेकिन उन 10-12 लोगों ने मना कर दिया है। तो मैंने अभी तुरंत प्रशासन से कहा, SDRF से कहा, चूँकि वो बहुत ही गंभीर जगह पर हैं तो उन्हें लेकर आए वहाँ से, क्योंकि कारण उसमें महिलाएँ भी हैं, बच्चे भी हैं, तो कोई अगर दुर्घटना हो गई तो अपने आप में गंभीर विषय होगा कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा इतनी ईमानदारी से राहत कार्य किए जाने के बावजूद भी कोई भी दुर्घटना हो गई, या पानी अचानक बढ़ गया जो पहले 9 से 10 फुट जा चुका है वो उससे भी ज़्यादा चला गया, तो उस समय फिर SDRF अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।